क्वेश्चन नंबर 34, स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2023, क्लास 10। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन ए स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस। 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस एंड द कैनवस फॉर 1500 टेंट्स एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलिंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 मीटर्स एंड हाइट 3.5 मीटर्स एंड द अपर पार्ट इज कॉनिकल with the same base radius but of height 2.1 meters. If the canvas used to make the tents cost rupees 120 per meter square, find the amount shared by each school to set up the tents. Heavy flood आने की वजह से 50 स्कूलों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 1500 टेंट्स का खर्चा उठाएंगे और इक्वली शेयर कर लेंगे। जो टेंट है उसमें नीचे का पोर्शन सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर कॉनिकल पोर्शन है। दोनों की रेडियस और हाइट बताई गई हैं और ये भी बताया गया है कि जो कैनवस लगेगा उसकी कॉस्ट आएगी 120 पर मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है कि एक स्कूल के ऊपर कितना खर्चा आएगा। हमें करना क्या है कि एक टेंट की कॉस्ट निकालनी है, फिर उसे 1500 से मल्टीप्लाई करना है और 50 से डिवाइड कर देना है ताकि हर एक स्कूल का अलग से कॉस्ट निकल आए। जो कॉस्ट हम टेंट की निकालेंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना क्लॉथ चाहिए उस टेंट को बनाने के लिए। सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वन टेंट निकालेंगे। यहां मैं रफ डायग्राम बनाने जा रही हूं। ये कॉनिकल पोर्शन है, रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस हमें 2.8 मीटर दिया गया है। सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट है 3.5 मीटर और कॉनिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज सेम एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। क्लियरली ये कर्व्ड सरफेस एरियाज आएंगे। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, इसलिए रेडियस हमें मालूम है, पाइप की वैल्यू हमें मालूम है, एल यानी कि स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट पहले निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.8 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रेडियस है और ये हाइट है 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.8 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर 784 होता है। तो इस तरह से ये 4.41 बन जाएगा और ये बन जाएगा 7.84, जो कि बन गया 12.25। अगर 12.25 है तो L होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने ये सीखा हुआ है, अगर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसके लास्ट टू डिजिट 25 है तो जो पहले के दो डिजिट होते हैं उसमें चेक कर लेते हैं कि किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट से बनता है। 12 बनता है 3 एंड 4 के कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट से, इसका मतलब ये 35 का स्क्वायर रूट। जैसे कि 625 को देखिए, इसमें पीछे के दो नंबर 25 हैं तो हम 6 को देखेंगे, ये 2×3 है तो ये 25 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जब ये प्रोडक्ट होता है तो स्मॉलर नंबर को लेके साथ में 5 लगा देते हैं, तो इस तरह से ये 25 बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्लियरली 35 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे ही हमने इसको देखा हमें पता चल गया कि ये 3×4 है, यानी हम यहाँ से 3 रखेंगे और 25 की जगह 5 लेंगे तो ये 3.5 एल है, स्लांट हाइट 3.5 मीटर है, तो हमें स्लांट हाइट मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे स्लांट हाइट को नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट होता है 2πRH। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो गया पाई आर एल और ये हो जाएगा 2πRH। रेडियस दोनों का सेम है इसलिए मैंने दोनों में सेम आर यूज किया है। इसमें एल है स्लांट हाइट के लिए और इसमें एच है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं।
अब इन्हें सॉल्व करना है। 7 से हम 2.8 को नहीं काटेंगे, बेटर है हम 35 को काटें, क्योंकि वो 5 दे देगा। 7 ने इसको काटा तो ये 0.5 आ गया, 0.5। इसका फायदा ये होता है, अगर मैंने 22 को 2 × 11 समझ लिया तो 2 इससे मल्टीप्लाई होते ही 1 में बदल गया, यानी 11 बचा। मेरे पास 11 टाइम्स 2.8 बचा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 दे दिया तो ये 1 में बदल गया, तो कैलकुलेशन ईजी हो गई। यहाँ पर भी हम 7 से 3.5 को 0.5 टाइम्स काट देंगे, ये 2 और ये 0.5 मिल करके 1 में बदल जाएगा, यानी ये 2 और ये 0.5 मिलकर के 1 में बदल गए, तो इसे आप छोड़ दीजिए। अब ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेस्ट मेथड है कि इसका 2 मैं अगर इधर ले जाऊं और 11 को अलग कर दूं तो ये हो जाएगा 5.6। अब 11 से आप किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप 2 और 8 के बीच में इन दोनों के डिजिट्स का सम डाल देते हैं, यानी 10 को ऐसे डाला जा सकता है, तो 308 हो गया, ये बन गया 308 और बीच में एक डेसिमल नंबर आएगा, तो ये 308 हो गया और एक डेसिमल का प्लेस आएगा प्लस। अब यहाँ देखिए 56 टाइम्स 11 में हम 5 एंड 6 के बीच में इनका सम डालेंगे, 11 आ जाएगा जो कि बन रहा है 616, और 616 में एक डेसिमल प्लेस भी रहेगा। इस तरह से हम कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। अब इनको ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 6 इज 14, 1 कैरी हो गया 2 एंड 6 प्लस 3 इज 9, तो 92.4 मीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया है टेंट का। अब हमारे पास एक टेंट का टोटल सरफेस एरिया है, तो कैनवस नीडेड फॉर 1 टेंट एंड 1500 टेंट अब हम जानते हैं कि 50 स्कूल्स हैं तो ये 1500 कट सकता है, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 120 है, तो इतने मीटर्स की कॉस्ट होगी दिस मल्टीप्लाइड बाय 120। अब अमाउंट वन स्कूल हैज टू पे, तो ये क्योंकि ये 50 स्कूल्स को मिलकर के पे करना है तो हम इसे 50 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे को टोटल इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये 10 हो जाएगा और ये आ रहा है 3600, 0 से 0 कट गया, तो बेसिकली हमें 924 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया है 33264 और एक जीरो हमने यहाँ छोड़ा था, इतने रुपीस, यानी वन स्कूल हैज टू पे 3,32,640 रुपीज़।